नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, हमने जब नया स्टेजिंग टोकना चालू किया, नया छत का शटरिंग टोकना चालू किया है, उस समय हमने कैसे लेवल पाइप से लेवल निकाला है और लाइन दोरे बांध के बॉटम कैसे हम लगाया है। लेकिन पहले ही दिन बारिश चालू हो गया था, इसलिए खाली टोपी मार के और एक बॉटम डाल के ही छोड़ दिया था हमने। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो। दोस्तों, कहीं पर अगर नया छत का स्टेजिंग टोकना स्टार्ट करना है, मतलब छत का शटरिंग टोकना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपने को लेवल पाइप से सभी कॉलमों पे लेवल निकालना है और लाइन दूरी बांधना है, ताकि हर जगह टेप लगा के नापने की ज़रूरत नहीं है। लाइन दूरी से खाली टेप लगाओ और नापते जाओ, जितने का बीम है, 12 का बीम हो या 15 का बीम हो, वो हिसाब से टोपी लगाते जाना है। जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, हम तो वैसे ही करते हैं। यही छत का शटरिंग हमें टोकना स्टार्ट करना है दोस्तों। और देखिए, बारिश आना अभी शुरू हो गया है, सुबह का अभी 8:30 बज रहा है। बारिश अगर थोड़ा भी बंद होता है तो हम लोग टोकना काम चालू कर देते हैं, लेकिन मशीन से जो काटने पीटने का काम रहता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि मशीन जलने का भी डर रहता है और वायर जो है उसमें करंट भी लगने का डर रहता है हमको। एक कल का ठोका हुआ है, 2.5 फीट का एक गाबड़ा है, इसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद में लेवल पाइप से लेवल निकालेंगे। यहाँ पर भी एक कॉलम थोड़ा ऊंचा भरा गया है, उसे तोड़ना पड़ेगा 4-5 इंच। काम जो है थोड़ा आधा पौना इंच ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए क्या है, पहले कॉलम से लास्ट कॉलम तक अगर अपना लाइन दूरी बांधा हुआ रहेगा तो अपने को साइड मारने को या बॉटम डालने को, कोई टोपी मारने को, मतलब सभी काम करने को आसानी पड़ती है। और लेवल पाइप में जब अपन वाटर लेवल से लेवल निकालते हैं, उस टाइम लेवल पाइप से कैसे देखना है, लेवल पाइप एकदम फेस टू फेस, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, उससे क्या होता है दोस्तों, अगर थोड़ा तिरछा है तो मार्किंग लगाते समय आधा इंच का डिफरेंस पड़ता है, या तो फिर ऐसे भी लगाएंगे तो फिर तो भी 2-4 mm का फर्क पड़ सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कोई भी मिस्त्री को। अंदर मार्किंग लाओ जी, तो ती लेवल सुद्धा तीर भी आहे। आय बघूया ते काले त्या टाइमला मग आपण समजू तर निशाण लाईल तर काढता काढता पाणी घेता भाऊ कर कायम बापरे हाय काय वो बाटम मोटा घेऊन घ्या,